जमान चीमा वेलकम बैक मिंद्र वीडियो दिस वीडियो इज़ अबाउट द रिंग रोड और रिंग रोड के हवाले से जो स्कैंडल है फर्स्ट ऑफ आल बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल्स सबसे पहले गुज्तर ईद मुबारक तमाम अहले वतन को और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुम है उनको ईद मुबारक और इस ईद के दौरान जो सबसे ज़्यादा मुझे मैसेज रिसीव हुए वो था रिंग रोड के हवाले से कि जो रिंग रोड की अलाइनमेंट चेंज हुई है और उस अलाइनमेंट में जिन लोगों ने चंद फ़ायदायद लिए उसमें सियासी लोगों के नाम भी आ रहे हैं और उसमें ब्यूरोट्स के नाम भी आ रहे हैं और डिफरेंट जो ब्यूरोट्स हैं उनको उनकी पोजीशन से हटाया गया है तो मैं ये इस वीडियो में ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने की कि इस पूरे रिंग रोड के स्कैंडल का पूरा क्या था उस रिपोर्ट में क्या मैंशनड है और उसको आगे किस तरह से पोर्ट्रेट किया गया डिफरेंट चीज टीवी चैनल्स की तरफ से या डिफरेंट जो रियल स्टेट का काम करते हैं लोग उन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया कि जी जिस जो इंडिविजुअल जिस सोसाइटी का काम करता है जैसे मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी का ज्यादा काम करता हूँ उसकी ज्यादा मार्केटिंग करता हूँ यूट्यूब पर तो इस हवाले से जिस तरह जिस सोसाइटी काम करते हैं उन्होंने उस सोसाइटी को डिफ़ेंड करना शुरू कर दिया बगैर रिपोर्ट पढ़े कि रिपोर्ट में क्या बातें लिखी हुई हैं और रिपोर्ट में किन बातों को खास तौर पे हाईलाइट किया गया है और उन बातों का जिक्र किसी इंडिविजुअल मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर लेकिन किसी इंडिविजुअल ने उन बातों का जिक्र नहीं किया जो बेसिकली ए, रिपोर्ट का लुबे लबाव था कि हाँ ये रीज़न है कि इस वजह से जो चालीस अरब रुपये की रिंग रोड थी उसको पैंसठ अरब रुपये तक एक्सटेंड किया गया उसमें बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं जी इन्हें चोरी सरवर ने यह किया फ्लां ने यह किया जुल्फी बुखारी ने किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट मैं आपको इस वीडियो में जो पांच पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा नंबर वन इसके अलाइनमेंट ऑफ रिंग रोड के रिंग रोड की जो अलाइनमेंट है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम दिस पॉइंट रेडियो पाकिस्तान से फिर चकबेली इंटरचेंज अडियाला रोड उसके बाद चक्री आ, आ, रोड पर जो इंटरचेंज है मेरा शरीफ में फिर मूर्त इंटरचेंज एंड देन सी पैक रोड इंटरचेंज और उसके बाद एम वन इंटरचेंज और संगजाने पर यह खत्म होती है और इस रिंग रोड की अलाइनमेंट के अलावा सेकेंड के इसका जो बेनिफिशरीज हैं जो पोर्ट्रे किया जा रहा है कि डिफरेंट सोसाइटीज़ के बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं इस रिंग रोड की वैसे तो उसके वाले में बताऊंगा ये थोड़ी सी बोरिंग क्योंकि जिन लोगों का रियल स्टेट से ताल्लुक है उनके लिए यूजफुल हो अदरवाइज बहुत बोरिंग क्योंकि इसमें कोई फुटेज नहीं है ये सिर्फ गूगल अर्थ पर है तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको जितनी इसकी कम लेंथ रख सकूं उतना एक्सप्लेन करूँ बट ये एक लंबा टॉपिक है तो यह वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी तो उसका एंड तक देखेगा ताकि आपको तमाम चीजें क्लियरली अंडरस्टैंड हो सकें थर्ड इज के फर्स्ट ऑफ ऑल लाइनमेंट ऑफ रिंग रोड सेकंड इज के इफेक्ट ऑन सर्टन सोसाइटीजिशरीज थर्ड के बजट कैलकुलेशन जो बजट में हेर फेर हुई या जो 2.3 बिलियन रुपीस का जिक्र आ रहा है बार बार और उसके वाले से बताऊंगा नंबर फोर के uh, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस रिपोर्ट के हवाले से और इस रिपोर्ट में जो इमरान खान साहब ने इस पे फ़ौर एक्शन लिया तमाम पाकिस्तान के लोगों ने तमाम मीडिया चैनल तमाम मीडिया आउटलेट्स को उनको प्रेज़ कर रहे हैं कि खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया जी चोरी नहीं होने देंगे एक्सेट्रा एक्से्ट्रा बट करप्शन से हट के इनकम्पिटेंसी एक चीज होती है जो ज़्यादा हानिकारक होती है करप्शन से भी लेकिन उन खान साहब को उस पर क्या कमेंट किया जाए नेक्स्ट के लास्ट uh, के पब्लिक परसेप्शन क्या है इस रिंग रोड के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले टॉपिक पे चलते हैं दैट इज़ के अलाइनमेंट ऑफ रिंग रोड अलाइनमेंट ऑफ रिंग रोड से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जी कि रिंग रोड स्टार्ट कहाँ से होती है और इसका टोटल जो पाथ बनता है वो क्या बनता है रिंग रोड का जो स्टार्टिंग पाथ है वो पॉइंट है जी ये वाला इस पॉइंट से स्टार्ट होती है सबसे पहले जो स्टॉप इसका बनता है वो बनता है चक बेली रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट होके उसके बाद जो इसका अगला स्टॉप बनता है वो बनता है अडियाला इंटरचेंज और अड्याला इंटरचेंज से अगला जो स्टॉप बनता है वो बनता है चक्री इंटरचेंज और चक्री इंटरचेंज से जो अगला स्टॉप बनता है वो बनता है मूर्त इंटरचेंज ये एम टू मोटरवे पर स्टॉप है और इसके बाद जो अगला स्टॉप बनता है वो बनता है एयरपोर्ट की बैक साइड से होता हुआ ये सी पैक रूट है जहाँ पे मेन कलप्रेट कहा जा रहा है ये चोरी सर्वस कह रहे हैं कि इसमें शेयर्स हैं नोवा सिटी में जो इसके इर्द गिर्द सोसाइटी है और उसके बाद जो अगला स्टॉप बनता है वो बनता है एम वन इंटरचेंज जो दोबारा जाके वहाँ पर मिलता है और उसके बाद ये संगजानी इंटरचेंज ये टोटल जो लूप बनती है वो अराउंड सिक्सटी फाइव किलोमीटर की है बट मैं चूँकि खुद ड्रा कर रहा हूँ तो इसमें प्लस माइनस थोड़ा सा हो सकता है ये सिक्सटी फाइव किलोमीटर का जो पैच है इसको मैप तकरीबन सिक्सटी फोर किलोमीटर सिक्सटी थ्री पॉइंट सेवन फोर किलोमीटर शो कर रहा है तो इस पर बात करते हैं मैं इसको परमानेंट ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि इस रिंग रोड का जो मेन चीज़ होगी उसका क्या इफेक्ट होगा ओवरऑल तो सबसे पहले जी मैं इसको रिंग रोड के लूप को थोड़ा सा डार्क कर दे ताकि आप लोगों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि इसमें सारा जो मामला है वो क्या मामला है जी ये रिंग रोड का पूरा प्लान है अब मैंने ड्रा कर दिया आपके सामने कि अलाइनमेंट है इसमें क्या चेंजेस आए और इस क्या चेंजेस के जो बेनिफिशरीज़ थे मैं सेकंड पॉइंट बाद में आऊँगा कि जो सर्टन सोसाइटीज़ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इसकी बेनिफिशरीज़ हैं वो किस लिहाज से हैं और उसका सोसाइटीज़ का जिक्र क्यों आया वो भी बताऊँगा और उसमें पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि इस रिंग रोड की वजह से तमाम जो मीडिया आउटलेट्स यूट्यूब पर और हर तरफ जो एक उधम मचा हुआ है कि जी रिंग रोड ने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया इंटरचेंजेस कैंसिल हो गया एकसेट्रा एक्सेट्रा उस हवाले से बताऊँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी जो ये परवेज़ मुशरफ के दौर में जब स्टार्ट हुआ था प्रवेज लाई की गवर्नमेंट में तो इस रिंग रोड का जो लूप तैयार किया गया था जो पहला लूप तैयार किया गया था वो था रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट होता था चक बेली इंटरचेंज चक बेली इंटरचेंज से आगे अड्याला इंटरचेंज अडयाला इंटरचेंज से आगे चक्री रोड में मेरा शरीफ इंटरचेंज और मेरा शरीफ इंटरचेंज से आगे मूरत इंटरचेंज की बजाय यहाँ पर जो स्टॉप था इसको यहाँ पर ठलियाँ इंटरचेंज था जो उस पर कनेक्ट किया जाता था इस पॉइंट पर यानी कि चक्री में थोड़ा सा यहाँ पे था ये पॉइंट और ये जाकर ठल्लियाँ पे कनेक्ट होता था और उसके बाद मोटरवे पे और इस इंटर्जन की जो टोटल पहले इनिशियल डेज़ में जो कॉस्ट थी वो तकरीबन थी 22 बिलियन रुपीस ये मैं बात कर रहा करूँ परवेज़ मुशरफ गवर्नमेंट सॉरी 18 बिलियन रुपीस ये परवेज़ मुशरफ गवर्नमेंट के दौरान जो आ, लूप बनाया गया था पहली दफ़ा जब इसको आ, दिया गया था इसका प्लान तो उसमें इसकी अठारह अरब रुपया कॉस्ट थी इस रिंग रोड के पूरे जो प्लान थी जो स्टार्ट होता था जी रोड से रवात से और रवात से जाके कनेक्ट करता था एम टू को अट्ठारह रुपये में लेकिन ड्यू टू तो सर्टन रीजन ये ना स्टार्ट हो सका ना बन सका ना इस पर कोई बात आगे बढ़ी फिर जी आती है शबाज शरीफ की गवर्नमेंट और शबाज शरीफ़ की गवर्नमेंट में सेम यही जो इंटरचेंज है सेम इसी को रिपीट किया जाता है यहाँ से लेके यहाँ सेम वही इंटरचेंज के नाम है रेडियो पाकिस्तान चक बेली अडयाला चक्री रोड एंड मूर्त की डायर ठलियाँ और इस तक आते रिंग रोड की टोटल अलाइनमेंट तकरीबन बारह से तेरह दफ़ा रिवाइज़ हो चुकी है हर दफा विद एक्स्ट्रा कॉस्ट तो इसमें जो कॉस्टिंग आई थी वो तकरीबन थी 28 बिलियन रुपीस की जो इसकी कॉस्टिंग थी इसकी शुबाशरीफ गवर्नमेंट के दौरान जब इसको प्लान किया गया था बट दोबारा इसको नहीं स्टार्ट किया गया तो इसमें बात खत्म हो गई फिर जी अभी करंट जो सीएम पंजाब हैं उस्मान बाजार उनकी वजारत आला के दौर में जो अभी लास्ट इसमें एलिवेशन चेंज हुई वो 2017 में इसके एलिविशन चेंज हुई तो इसको यहाँ से हटा के ठलिया से पॉइंट सॉरी यहाँ से ठलिया से हटा के इसको मूर्त पे कन्वर्ट किया गया और इसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया और इसको यहाँ से चक्री से थोड़ा मेरा शरीफ की तरफ किया गया अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इसका स्मार्ट सिटी की पे बेनिफिट आएगा स्मार्ट सिटी पे इसका कोई फर्क पड़ेगा एसेट्रा एक्सेट्रा वो वीडियो में आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा कि बेनिफिशरीज़ का जो नाम है वो क्यों मैंशन है इस पूरी रिंग रोड की रिपोर्ट में दो में इसमें एक नया पॉइंट ऐड किया गया वो पॉइंट ये था कि इसको यहाँ पर मूर्त से आगे एक्सटेंड किया गया अटक अच्छा ये जो एम टू पॉइंट ये जो मूर्त इंटरचेंज है इससे आगे जो ये वाला सारा एरिया आपको नजर आ, आ रही है सारी प्रिंस नजर आ रही है एयरपोर्ट की बैक साइड पर यह डिस्ट्रिक्ट अटक में फॉल करती हैं ये फतेहज का एरिया तहसील फतेहजंग डिस्ट्रिक्ट अटक में फॉल करती हैं नाइनटीन एटी एट में जब फर्स्ट टाइम ये एयरपोर्ट प्रपोज किया गया था तो जयाक के दौर में प्रपोज किया गया था इसको आगे इसलिए दूर रखा गया था शहर से क्योंकि जो सेंट्र सिटी है जीरो पॉइंट है वो कुछ इस तरफ है अब जीरो पॉइंट से इसको दूर रखने का मकसद ये था कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में होता है कि एयरपोर्ट को शहर से हमेशा दूर रखा जाता है तो इसको यहां पर प्लान किया गया था बट चूंकि पाकिस्तानी कौम इतनी माशा इतनी जहीन है कि जैसे ही एयरपोर्ट यहां बना तो उसकी सराउंडिंग में फौरन तमाम सोसाइटीज आ गईं अब जैसे यहां पे टॉप सिटी है एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन है या इसके सराउंडिंग यहां पे मुमताज सिटी आ जाता है फिर यहां पे लाइफ रेजिडेंशिया यहां पे अभी आ रहा है जिसका नया लेटेस्ट जिस कैंडिल में सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो नोवा सिटी है हालांकि इन तमाम सोसाइटीज का डायरेक्टली इस रिंग रोड से जैसे ये टॉप सिटी है अब टॉप सिटी ये है इसका रिंग रोड से क्या ताल्लुक है यहाँ कोई भी सोसाइटी अब नाम ले लें इसका रिंग रोड से ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी उस रिपोर्ट में नाम है तो मैं रिपोर्ट में उस बात में बाद में आता हूँ रिपोर्ट में वो पढ़ के सुनाऊंगा कि उसमें क्या बात लिखी हुई है जिसको लोग पता नहीं किस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं और किस तरीके से उसको एडवांटेज दे रहे हैं जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी का नाम है ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री रोड पर कोई यहाँ पर सोसाइटी फॉल करती है इस तरफ कहीं ये चहान से भी आकर यहाँ पर कहीं फॉल करती है ये सियाल के एरिए में ये रिंग रोड का इंटरचेंज है ये से हाल है कोई लिंक नहीं बनता आपस में बट ब्लू वर्ल्ड सिटी का भी नाम है यहाँ अब डिफरेंट सोसाइटीज़ के हवाले से उनके नाम है बट उसमें हम बाद में आते हैं अब इस एलिवेशन में जो यहाँ तक मूर्त इंटरचेंज पर जाकर कनेक्ट करती है इसके बाद जब इस पॉइंट को ऐड किया गया तो पहले ये 40 बिलियन रुपीस थी 2017 में और उसके बाद अब इसको एक्सटेंड करके जब यहाँ तक लाया गया तो तकरीबन ये पैंसठ किलोमीटर की रूट बन गई जिसको मैंने बिफोर ड्रॉ किया तकरीबन सिक्सटी फोर किलोमीटर बनाए तो इस रूट के सिक्सटी फाइव किलोमीटर के पूरे पैच में तकरीबन कॉस्ट चलेगी अप टू एक्सटेंड हो गई तकरीबन पैंसठ अरब रुपया की कॉस्ट टोटल कॉस्ट बन गई जिसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ लैंड था कंस्ट्रक्शन था और इसमें डिफरेंट चीज़ें भी शामिल थी अब क्या हुआ जी इन बेसिक स्टार्ट से बात करते हैं कि इस एलिवेशन को किसी ने किसी सोसाइटी ने स्पॉन्सर नहीं किया किसी इंडिविजुअल ने स्पॉन्सर नहीं किया ये तमाम चीज़ें 2002 से शुरू हो गए परवेज़ इलाई की गवर्नमेंट से अप टिल ट्वेंटी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ये जो पूरे लेआउट प्लान ड्रा किए किसी सोसाइटी के या किसी बिजनेस या किसी मेम्बर ने ड्रा नहीं किए किसी पॉलिटिशन ने ड्रा नहीं किए ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान की बड़ी मायनाज कंपनी है, हैं नस्पाक और उसके अंडर जो मुख्तिफ अदारे हैं रिलेटेड जैली इदारे उनकी तरफ से ड्रा किया गया अब इस पूरे बात हट के अब आते हैं जी सेकंड पॉइंट की तरफ जो इसमें है कि बेनिफिशरीज ऑफ सोसाइटीज़ जो इसमें मुख्य सोसाइटी जिसमें बेनिफिशरीज कहा जा रहा है जिसको हाईलाइट किया जा रहा है कि हां जी ये सोसाइटी सबसे बड़ी बेनिफिशरीज है मैं आपको वो चीजें एक्सप्लेन करता हूं रिंग रोड इंक्वायरी की जो थर्टी थ्री की रिपोर्ट है उसके पेज नंबर थर्टीन पर अगर पढ़ें तो आपको लिखा एक पॉइंट नजर आएगा पॉइंट नंबर एट है ये इसमें लिखा था कि एफ बी आर एफ आई ए टू इंक्वायर फॉलोइंग हाउसिंग सोसाइटी एंड प्रॉपर्टीज फॉर बींग बेनामी फ्रंट ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पब्लिक सर्वेंट्स एंड टैक्स वेटर्स एन एक्स ट्वेंटी नाइन उसमें सोसाइटीज़ का जो नाम मैंशन है वो है नोवा सिटी न्यू एयरपोर्ट सिटी अलासफ हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड इतिहास सिटी इन मोजा गंदा अबाउट थ्री हंड्रेड कनाल इन विलेज मियाँ रशीदा नियर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट ओवर टू हंड्रेड कनाल इन मोजा ठलिया मल्टी प्रोफेशनल लैंड इन मोज़ा जंदू एंड चोकर लाइफ रेजिडेंशिया इन मोजा रमा उसके बाद आता है जी रूडन क्लेव ऑन एडाला रोड एस सी एस डिवेलपर्स एंड सन्स डिवेलपर्स जी उसके बाद आता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड टॉप सिटी अब गौर किया जाए तो इसमें बहुत सारे सोसाइटीज़न इनका डायरेक्ट लिंक नहीं बनता जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू वर्ल्ड सिटी का डायरेक्ट लिंक डिरेक्ट रिंग रोड से नहीं बनता उसके बाद जी नेक्स्ट है जी टॉप सिटी का रिंग रोड से कोई लिंक नहीं बनता क्योंकि टॉप सिटी का फ्रंट जो है वो मेन कश्मीर हाईवे पे है उसका कोई लिंक नहीं बनता उसके अलावा राइफ लाइफ रेजिडेंशिया इसका भी डायरेक्ट लिंक कोई नहीं बनता और मल्टी प्रोफेशनल का भी कोई लिंक नहीं बनता स्मार्ट सिटी का थोड़ा सा लिंक है क्योंकि स्मार्ट सिटी जो है वो नियरेस्ट है तकरीबन थ्री से फोर किलोमीटर चक्री रोड पर गैप है और उसके अलावा अगर हम देखें जो मूर्त इंटरचेंज है उससे भी नियरेस्ट स्मार्ट सिटी बनती है तो इसके अलावा मुस्लिम सोसाइटी का नाम बनता है इनका नहीं बनता इस रिपोर्ट में चीज़ मैंशन की गई है वो ये मैंशन नहीं किया गया कि इन लोगों ने

पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पब्लिक सर्वेंट्स एंड टैक्स एवेडर्स एन एक्स ट्वेंटी नाइन अब इसमें जो बात लिखी हुई है कि इन सोसाइटीज़ में क्या कोई ऐसा सरकारी गैर सरकारी या कोई भी ऐसा पब्लिक होल्डर है जिसने इस सोसाइटीज़ का फ्रंट मैन बन बेनामी तौर पे यहाँ पे ज़मीन ख़रीदी इन सोसाइटीज़ में कोई ऐसा बंदा हो जो सोसाइटी का मालिक कोई और हो बट डिफरेंटली कोई और हो जैसे कि नोवा सिटी का शोर है कि नोवा सिटी के जो सोसाइटी है इसको ओन चोरी सर्वर करते हैं जो एक्स पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और करंट जो एविएशन मिनिस्टर हैं वो इसको ओन करते हैं इसमें कहा जा रहा है कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में जो फ्रंट मैन है वो और हैं और बैक और, बैक एंड पे कोई और है जैसे एक एंकर है इमरान खान साहब उन्होंने एक वीडियो बनाई थी तो उन्होंने डायरेक्टली नाम ले कहा जी ये जो सी एटीन में जो जगह है वो जुल्फी बुखारी के वाले साहब की है और नोवा सिटी में शेयर होल्डर इनके हैं चोरी सर्वर साहब के हैं हालांकि चोरी सर ने आज की डिनाइबिलिटी दे दी है उन्होंने कहा कि मैं इसको चैलेंज करता हूं कि इसमें कोई मेरा शेयर नहीं है इस पूरी रिपोर्ट में चीज मैंशन है उसमें यह है कि इन सोसाइटीज चूंकि ये रिंग रोड के साथ साथ थी और यहां पे इन सोसाइटीज़ के आसपास कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसने जैसे यहां पे एक चीज लिखी है अबाउट 300 हंड्रेड कनाल इन विलेज मियाँ रशीदा नियर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट अब ये थ्री हंड्रेड कनाल का जिक्र है ये शेख रशीद का इसमें नाम आ रहा था कि उन्होंने लाइफ रेजिडेंशिया को जो जमीन बेची तो लाइफ रेजिडेंशिया के जो आई थिंक ओनर्स हैं उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि हमने लीगली शेख रशीद से वन फिफ्टी या वन एटी किनाल लैंड जो बाई किया है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से बाय किया है उनको पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट की है और उनसे बाई किया है तो इनसे जो बाइंग हुई है उसमें कहा गया जी इस रिंग रोड की जो लैंड है जहां से इस रिंग रोड ने गुजरना था वहां पे किसी इंडिविजुअल ने पहले लैंड कर ली और उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फिर लैंड बेची जिसमें अब, तो अब इन सोसाइटीज में किसी मैन ने मिलकर जो यहां पे लैंड बाय उस लैंड बाय करने में जो मुख्त लोगों का रोल था वो इन सोसाइटीज के मैन थे उसमें एक और जो बड़ा क्लियर पॉइंट आता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इस पूरे टोटल ड्रामे में जो इफ़ेक्ट हो रही है चीज़ें वो सोसाइटीज़ कौन सी हैं अभी सबको लग, सब लग रहा है कि ये सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने रिंग रोड में एलिवेशन चेंज कराई रिंग रोड के अलाइनमेंट चेंज कराई उन्होंने शायद फायदा लिया पॉइंट ये नहीं है इसमें ये पॉइंट पूरी रिपोर्ट में ही मैंशनड है कि जो लोग पब्लिक ऑफिस होल्डर थे या फ्रंट मैन कोई और था और उसने पब्लिक ऑफिस होल्डर ने इस पर जो खामोशी इख्तियार की जैसे मैं क्लियरली पॉइंट मैंशन है पॉइंट नंबर इसमें फोटीन है उसमें लिखा हुआ है के सॉरी ये पॉइंट नंबर मैं एट का क्योंकि थर्टीन था पॉइंट uh, नंबर जो फोर्टी है एक्स डी जी आर डी ए अमारा खान डी सी अटक अली अनम कमर अ, अ, अनान कमर एंड डी सी रावल अनवारुल हक एंड ए डी सी आर रावलपिंडी ए डी सी रेवेन्यू एडिशनल रेवन्यू रावलपिंडी मे बी आज टू एक्सप्लेन देर अन एथिकल साइलेंस ओवर द पेज नंबर ट्वेंटी एट पर इसी रिपोर्ट के और चीज़ मैंशन है कैपिटल स्मार्ट सिटी हबीफिक लिमिटेड एस सी एस डेवलपर्स एंड एम एस टेक्नो जेड के बी Capital SMART is one of the biggest beneficiaries of illegal alignment shift towards Murat and interchange thereon. The change designed for clover leaf annex 32a to pied piper annex 32b, alleged to create the benefit to capital smartity as well as sas owners and land holding annex 32c, in addition to the holding of major general salim and his family, since moza's in the vicinities of murata interchange, astrid m2 never expected a ring road or motorway access to these moza's experienced largest land price gain. an example from district attack is annex 26. mr. arsalan ali majidali, shareholder of techno engineering, has purchased 800 canal land in this फतेह जंग, वायल जाहिर अली खान शेयर होल्डर ऑफ जेड के बी येट एन अदर आर एफ पी परचेजर परचेज थ्री फोर हंड्रेड फोर थर्टी के नाल इन मोजा कुतबाल फतेजंग अब इसमें जो बात क्लियरली मैंशन है वो ये मैंशन है कि इन सोसाइटीज़ में क्या कोई फ्रंट जैसे स्मार्ट सिटी का मैंशन किया गया कि इसमें आ, स्मार्ट सिटी में फ्रंट मैन मेजर जनरल सलीम एंड हज फैमिली उन्होंने मूर्त इंटरजन के साथ को उनकी ज़मीन थी उन्होंने वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बेची अब इसमें जो पूरी रिपोर्ट का लुबे लबाब है वो पेज नंबर ट्वेंटी एट पर आपको मिलेगा वो मिलेगा इस पॉइंट में फिफ्टी फोर सेक्शन नाइन वे फॉरवर्ड नैब प्रोसीडिंग नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब हैज़ बिन रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड अगेंस्ट मिस्टर मोहम्मद महमूद एक्स कमिश्नर एंड एल एस सी मिस्टर वसीम अली ताबिश फॉर विलिंगफुली डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर टू पॉइंट थ्री बिलियन रुपीज़ फॉर इलीगल लैंड एक्विजीशन ऑन अलाइन ऑन इलीगल अलाइनमेंट डिस्पाइट क्लियर Position taken by PND uh, department in lies of approval, status of alignment. This expenditure was made to benefit the core member of the attack Loop rent seeking syndicate, which can be connected to further investigation by NAB. Waseem Ali Tabish spent 2.05 billion willingly in attack district, where he was not empowered to exercise his LAC power all the person and entities group on rent-seeking syndicate may be investigated for the criminal liability uh, uh, occurring from the reason mentioned in the report sopra. the investigation may be further अनकवर द बेनामी इंट्रस्ट होल्डर्स एंड पेटर्नस टू रेंट सिकिंग सिंडिकेट इस पूरी जो कहानी है रामकथा इसमें यह है कि जो 2.3 बिलियन रुपीस लैंड एक्विजीशन के मामले में डिस्ट्रीब्यूट किए गए उस लैंड एक्विजीशन में जो 2.3 बिलियन में से 2.05 बिलियन अटक यानी मूर्त से आगे जो पहला जाकर कनेक्ट करता सी पैक रूटपेंट अचेंज वहाँ पर और उससे आगे जो डिफरेंट बाइंग हुई लैंड की अभी सिक्सटी बिलियन रुपीज़ का टोटल अगर है ना रिंग रे, रोड का टोटल जो प्लान बनता है उसमें से जो टोटल इसमें बाइंग ऑफ लैंड भी आती है इसमें कंस्ट्रक्शन भी आती है इसमें डिफरेंट चीजें भी आती हैं तमाम चीजें है। तो कहा जी इसमें जो उन्होंने अपनी रोल प्ले किया उसके हवाले से है अब मैं आपको एक चौधरी सर्वर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसके हवाले से एक चीज दिखाता हूं चौधरी सर्वर साहब जिनका नाम आ था कि जी रिंग रोड के साथ जो नोवा सिटी की इंटरचेंज बन रही है जो सी पैक रोड पर उसके साथ जो छह हजार किनाल का जो एन एस मिला जिन्हें एविएशन जो फनल एरिया कहा जा रहा था जिसे इमरान खान जो एक एंकर हैं उन्होंने इसको फनल एरिया कहा था उसमें उनको जो उन्होंने लैंड एक्विजीशन किया है उस हवा से तिजोरी तो सरवर साहब ने एक नाइबिलिटी रिंग रोड के अलाइनमेंट के साथ किसी सियासी जमात का ताल्लुक नहीं है नंबर वन उसके बाद उन्होंने कहा जी रिंग रोड के शुरू से आखिर तक एक इंच भी जमीन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा गुलाम सरवर साहब उसके बाद थर्ड जी मौजूदा हुकूमत ने रिंग रोड रिंग रोड रावलपिंडी की तमीर के मनसूबे पर तो दी गुलाम सरवर और फोर्थ लास्ट पॉइंट के रिंग रोड की अलाइनमेंट तब्दीली की वजह तकनीकी हो सकती है सियासी नहीं ग़ुलाम सरवर और जो ये जो टोटल पॉइंट उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इस पर यह तो हो गया जी जो उनका नाम लिया जा रहा था जी रिंग रोड में उनका बड़ा रोल है उनकी जो अलाइनमेंट थी अटक रीजन की तो उनका तो मैं इस बोलो बाकी जो आगे ये दो पॉइंट्स हो गए पहले अलाइनमेंट ऑफ रिंग रोड और इफेक्ट ऑफ सर्टन सोसाइटीज़ या बेनिफिशरीज अब आते हैं जी जो बजट कैलकुलेशन जो बजट का डिफ्रेंस आ रहा था और बाद को जो पर्सनल ओपिनियन है इस पे वो दूंगा वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी बट चूंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर तमाम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें एक डिटेल वीडियो बनती है तो इसमें मैं तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा और एंड वे मैं पब्लिक परसेप्शन भी बता दूंगा कि लोगों ने इसको कैसे अंडरस्टैंड किया अब थर्ड पॉइंट जिस बजट कैलकुलेशन में मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब पहली दफा इसको प्लान किया गया था उसका अठारह अरब का बजट था फिर इसका ट्वेंटी एट का बजट हुआ उसके बाद फिर एक्सटेंड हो के फोटी का बजट हुआ इस पॉइंट तक अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को बनाने की नौबत क्यों पेश आई उसकी रीजन सिंपल सी है कि खुद ने इस बात को क्लेम किया था इस बात को एडमिट किया था कि जब रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन होगी तो जब रवाज से जीटी रोड से जो ट्रैफिक जी, रोड से जो मुल्हत शहरों की ट्रैफिक है जिसमें आपका जेलम दीना मंगला खारिया गुजरावाला गुजरात वजीराबाद ये तमाम शहर आते हैं तो पर डे थर्टी थ्री थाउजेंड वहीकल्स इस पॉइंट से एंटर होंगे तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ से लेके जहाँ इंटरचेंज बना हुआ जो सॉरी टोल टोल प्लाज़ा बना हुआ इस पॉइंट तक ये सारा चौक कर जाएगा और इसकी वजह से मोटरवे का मकसद जो है वो बिल्कुल बेफजूल हो जाएगा तो इसलिए रिंग रोड को यहाँ से एक्सटेंशन दे के आगे अटक डिस्ट्रिक्ट में ले जाया जाए जो एयरपोर्ट की बैक साइड पर उसको फिर एक्सटेंशन दे के आगे एम वन पर मैच किया जाए एम वन ये बीच में लूप सारा फ्री हो जाता है एयरपोर्ट की बैक साइड से और उसको संगजानी जी टी रोड पर अटैच किया जाए और उसके बाद फिर आगे इसका एक आगे आपको मार्ग

इसके अलावा जिन लोगों ने लट से ये इंटरचेंज यहाँ पे मूव हो जाता है यहाँ पर एंड हो जाता है इंटरचेंज तो फिर लोगों को मजबूरन यहाँ से इस रूट को लेना पड़ता और यहाँ पे ट्रैफिक चौक हो जाती तो इस वजह से इस पार्ट को बचाने के लिए ये जो आपका टोल प्लाजा बना हुआ है इस पार्ट को बचाने के लिए टोटल इस कनेक्टिविटी ली गई अब जो मुख्तफ सोसाइटीज़ में बेनिफिशरीज़ का नाम आ रहा है वो मेरा को रिंग रोड के जो पेज नंबर थर्टीन और पेज नंबर ट्वेंटी एट जो चीज़ें क्लियरली मैंशन है कि ये जो सोसाइटीज़ जो आठ दस सोसाइटीज़ का नाम आया है इन सोसाइटीज़ का इस रिंग रोड से अलाइनमेंट से ताल्लुक़ सिर्फ इस हद तक देखा जाए कि इन सोसाइटीज़ में बैठे हुए कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर वो ब्यूरोक्रेट हो वो कोई रिटायर्ड जनरल हो जैसे स्मार्ट सिटी केस में इसमें सलीम का नाम लिया गया इसलिए मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में ब्यूरोक्रेट्स का नाम लिया जा रहा है चार लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम लिया जा रहा है और डिफरेंट लोगों का नाम लिया जा रहा है कि इन लोगों ने जो रिंग रोड का रूट है यहाँ पर लैंड प्रोर की जिसके लिए टू बिलियन रुपीज़ Uh, जो डीसी uh, की डी uh, सी रावलपिंडी थे uh, मोहम्मद खान साहब मोहम्मद uh, मोहम्मद साहब उन्होंने इसको महमूद साहब उन्होंने इसका टू पॉइंट थ्री बिलियन रुपीस का आउट किया जो बजट तो उस पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए जिसपे उन्होंने आई थिंक आज अपना जवाब भी जमा करा दिया है बहरहाल इस टोटल जो एलिवेशन थी इसमें टोटल जो uh, बनती थी इसमें टोटल अलाइनमेंट इसमें किसी सोसाइटी का डायरेक्टली किसी सोसाइटी का स्पेसिफिकली कोई डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है सिवाय इसके कि उनका कोई फ्रंट मैन यूज ना हुआ हो उसके लिए नैब और एफआईए को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया दे दिया गया है ये टोटल कहानी थी जिस पे कहा जा रहा था जिस फलानी सोसाइटी ने ये किया फलानी सोसाइटी ने क्या किया हर बंदा जो हर जो सेल्स पार्टनर डिफरेंट सोसाइटीज़ में काम करते हैं जो ब्लू वर्ल्ड में काम करते हैं वो सीधा ब्लू वर्ल्ड को डिफेंड करने लग गए जो रोडन में काम करते हैं वो रोडन को डिफेंड करने लग गए विदाउट रिपोर्ट पड़े कुछ भाइयों ने कहा जी इससे आगे ये ऐसे हो गया से रूट चेंज किया गया कि ऐसे हुआ फलाना ढमकाना टोटल जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है ये आप किसी भी जो रिपोर्ट के जिस बंदे के पास हो उससे रिपोर्ट मांगें थर्टी थ्री पेजिस की रिपोर्ट है उसका टोटल वन टू ऑल पढ़ें तो उसमें टोटल जो वाद चीज़ किसी भी फर्दे वाहद को समझ आएगी वो ये आएगी कि इस रिंग रोड की जो पूरी लैंड है जिसमें एक्विजिशन की जा रही थी इसमें जैसे यहाँ कहा गया जी यहाँ पे तीन दो सौ कनाल लैंड यहाँ पर शेख रशीदा सॉरी शेख रशीदा यस शेख रशीदा गाँव में तीन सौ कनाल जमीन शेख रशीदा ने बेची एक सोसाइटी को वो भी रिंग रोड में आती थी एक्सेट्रा एक्से्ट्रा तो उस रिंग रोड की अंदर आने वाली लैंड का जिसका दो शहर तीन अरब रुपया पे हुआ और उसमें मजीद पेमेंट्स भी होने थी जिसपे इमरान खान साहब ने एक्शन लिया और उसको रोक दिया अब आते हैं जी फोर्थ पॉइंट पे कि इस पे जो इमरान खान साहब हैं उनको जो एप्रिसिएशन मिल रही है पूरे पाकिस्तान से जी उन्होंने करप्शन को रोक दिया ये कर दिया वो कर दिया अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि रिंग रोड अगर ये परवेज लिलाई के दौर में बनती तो ये अठारह रुपये की होती अगर ये शबाज़ शरीफ के दौर में बनती तो ठाईस अरौर रुपये की होती अगर ये बाजार के दौर में बनती तो डेफिनेटली पैंसठ अजो रुपये की है इसको दो साल डिले करके देख लें ये आपको अस्सी नब्बे अरब या सौ अरब की पड़ेगी रीज़न हमारा रुपी जो है वो डेली बेस पर डिवेल्यू हो रहा है हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है हर चीज़ हर रोज़ चीज़ों की कॉस्ट महंगी होती है एक दौर था जब जो सीमेंट की बोरी थी वो दो सौ रुपए की थी आज आप देख लें साढ़े पांच रुपए की छह सौ रुपए के आसपास जा रही है तो हर रोज जो आने वाले दिन के साथ कॉस्टिंग बढ़ती है सबसे बड़ा लंडर जो खान साहब से हुआ है वो ये हुआ है कि इन्होंने इस रिंग रोड को जर एक लेने के लिए परसेप्शन लेने के लिए कि हाँ जी मैं करप्शन के बहुत अगेंस्ट हूं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने अपनी 411 मिलियन डॉलर की जो ग्रांट थी जो एड थी उसको पुल आउट कर लिया है जो इस रिंग रोड की पूरी डेवलपमेंट के दौरान जो एक में ये कर्जे पे बन रही थी डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास उतना पैसा होता नहीं है कि गवर्नमेंट्स को अपनी जेब से बनाए तो हमेशा कर्जा लेकर बनाते हैं जैसे हमारे मेट्रो बनाई हैं जैसे मुख्तलिफ चीज़ें बनी हैं ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से कर्ज़ा लेके बन रही थी जो 478 मिलियन डॉलर की टोटल ग्रांट थी जिसमें से चार मिलियन डॉलर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने देना था बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ़ पंजाब ने इसको पे करना था उन्होंने अपनी ग्रांट वापस ले लिया है अभी जब भी ये फ्यूचर में क्योंकि कभी ना कभी तो बनना है क्योंकि ये सारा जब इस रवा से अब ट्रैफिक एंटर होती है तो इस रवा से ट्रैफिक एंटर होने के बाद इस्लाम एक्सप्रेस वे पे जाती है इस्लामबाद एक्सप्रेस सारा चौक कर जाए अब लट से किसी ने न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है फॉर एग्जाम्पल और वो बंदा रहता है जी जेलम में अब जेलम में उसका कोई मेहमान या भाई आ रहा है उसका एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाना है इस्लाबाद एयरपोर्ट तो सबसे पहले क्या करेगा वो वो वहाँ से निकलेगा इस जी रोड से जिटी रोड से पहले रवाद पहुंचेगा रवाद पहुंचने के बाद यहाँ से फिर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे लेगा इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पूरा सफर तय करते हुए यहाँ पे वो जीरो पॉइंट पहुंचेगा जीरो पॉइंट पर पहुंचने के बाद यहाँ से वो भामरा इंटरचेंज ये जो, जो मोटरवे का इंटरचेंज है ये वाला भामरा इंटरचेंज यहां पहुंचेगा यहाँ से कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे के थ्रू वो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास पहुंचेगा और वहाँ से सॉरी ये भामरा इंटरचेंज है और भामरा इंटरचेंज से आगे वो यहाँ पराम लिखा हुआ लेकिन ये वैसे भामरा होता है भामरा इंटरचेंज है इससे आगे वो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाएगा तो जब पूरे सिटी की ट्रैफिक के दरम्या में गुजर जाएगा डेफिनेटली उसका टाइम वेस्ट होगा अब इमेजिन करें कि इन शहरों के जो रिहायशी है पाकिस्तान के वो भी वोटर है, वो भी है। जब वो लोग यहाँ से मूव करके फॉर एग्जाम्पल इससे बारो बार एक रास्ता लेते हुए एयरपोर्ट तक पहुँच जाते हैं है, राइट मुड़ते हैं यहां पर इंटरचेंज से एयरपोर्ट में कनेक्ट करते हैं तो विदाउट डिस्टर्बिंग एनी ट्रैफिक इन साइड द सिटी दे कैन रीच डायरेक्टली उनको कोई इसमें मसला मसाइल दरपेश नहीं होता अब इस चीज को खान साहब ने एक डिले कर दिया डिले टैक्टिक एशियन बात तो 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 है जब बैंक ने देने थे उसने पुल आउट कर लिए हैं खान साहब की एक ईमानदारी का डंडोरा पीटते हुए कि जी मैं करप्शन ही होने दूंगा एक बड़ी फेमस कोटेशन है कि करप्शन से ज्यादा जो लीथल चीज है किसी भी मुल्क के लिए गवर्नमेंट के लिए वो होती है कि उसकी इनकम्पिटेंसी खान साहब को लगता है कि मुझे अस्करी सीमेंट वाले और अस्करी बैंक वाले हर जगह सपोर्ट करेंगे हर जगह साथ लाएंगे अस्करी सीमेंट और अस्करी बैंक वालों ने एक दफ़ा इतिहाद फाउंड्री को भी सपोर्ट किया था उन्होंने बड़ा कुछ किया था बट एक टाइम आता खान साहब जब वो अपनी सारी सपोर्ट पुल आउट करते हैं तो आपके पास कोई वाली वारिस नहीं होता जैसे आज इतिहाद इतफाक़ फाउंड्री वालों का को कोई वाली वारिस नहीं है बस आप सियासी बयान दे सकते हैं उसके अलावा कुछ नहीं अब इस पूरे में जो नुकसान हुआ है वो आम शहरी पाकिस्तान के या आम लोग हैं उनका हुआ है किसी और को इंडिविजुअल को फर्क नहीं पड़ा कि जी मैंने करप्शन अगेंस्ट बात की ये किया वो किया चालीस हज़ार रुपए की एक्सटेंशन होकर जब यहां तक बात पहुँचती है तो यहाँ पर तकरीबन रोड का जो प्लान बनता है तकरीबन फोर्टी फोर क्या कहते हैं किलोमीटर का लेंथ बनती है इस पॉइंट पर फोटी फोर से एक्सटेंड होकर सिक्सटी फाइव होगी तो डेफिनेटली पच्चीस हजार रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्टिंग भी आएगी जिसमें एक्स्ट्रा लैंड की बाइंग भी है जिसमें कंस्ट्रक्शन भी है वन एटी फीट की विर्थ भी है सारी चीज़ें हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब इसमें जो मुख्तलिफ इंटरचेंजेस थे उसको लिए एक ट्वेंटी एटीन में आई गया या ट्वेंटी नाइनटीन में एक प्रपोजल आया था डिफरेंट सोसाइटीज़ की तरफ से जिन्होंने कहा था कि यहाँ से लेकर हम जे वी करते हैं जैसे एच आर एल है जिस तरह एस एस डेवलपर है जैसे जेड के बी है जिस तरह डिफरेंट लोग हैं उन्होंने कहा था हम यहाँ पे जे वी करते हैं ये रूट या इंटरचेंज हम खुद बना लेंगे इसके पैसे भी पे करेंगे बट यहाँ से जो स्मार्ट uh, सिटी के मेम्बर्स हो या जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं उनके मेम्बर्स होंगे उनको फ्री एक्सेस मिलेगी एक सेक्ट्रा बट एंड ऑफ द डे डे ये टोटल हालात हैं हमारे मुल्क के, के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी ईमानदारी करते हुए जी करप्शन को मैं पकड़ लूंगा ये कर लूंगा वो कर करूंगा उन्होंने अपने पाओं पर कलाड़ी खुद मार लिया है तो करप्शन रोकने से ज्यादा इनकम्पिटेंसी भी रोकें और उस चीज पे वर्किंग करें एज कंपेयर टू के गरीब या पाकिस्तान की जो वाम को एक फैसिलिटी मिल रही थी उस पे करने की इस पूरी रिपोर्ट में किसी एक जगह भी ये मेंशन नहीं है कि इस सोसाइटीज़ या इस इंडिविजुअल ने इस मेंबर ने ये काम किया है सिर्फ इस चीज का एक खाम खास चीज़ का डाला गया बीच में कि जो फ्रंट मैन के जरिए काम किया गया जी जो ब्यूरोक्रेट्स के जरिए काम किया गया जो फ्रंट मैन के मैं आपको दोबारा वो दिखाता हूँ कि इसमें फ्रंट मैन का रोल जो जिसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है वो फ्रंट मैन का जिक्र है कि जी इन फ्रंट मैन का जिक्र फ्रंट मैन ने क्या किया वो मैं को दिखाता हूँ दोबारा ये वो रिपोर्ट है जिसका पेज नंबर थर्टीन है जिसमें के पास इंडिविजुअल के पास रिपोर्ट है उसको इट सेल्फ भी पढ़ सकता है पॉइंट नंबर थर्टीन है इस पर एफ बर एंड एफ आई ए टू इंक्वायर द फॉलोइंग हाउसिंग सोसाइटी प्रॉपर्टीज फॉर बिंग बेनामी फ्रंट एंड पास्ट एंड प्रेजेंट पब्लिक ऑफिस होल्डर्स या पब्लिक सर्वेंट जिनके थ्रू ये हुआ टैक्स वेट हुआ कि जी इन सोसाइटीज़ के पास फ्रंट मैं जिनके थ्रू ये जो पूरा काम किया गया जिसमें नाम लिखा हुआ जो नोवा सिटी के पास जो फ्रंट फ्रंटमानैन का नाम लिया जा रहा है चोरी सरवर साहब का जिन्होंने आज अच्छा इसको डिनाई कर दिया है न्यू एयरपोर्ट सिटी आसिफ हाउसिंग सिटी के इनमें कोई फ़्रंट मैन ऐसा है जो सोसाइटी uh, किसी और की हो लेकिन बाहर कुछ और नज़र आ रहा हो ब्लू वर्ल्ड सिटी सोसाइटी किसी और की हो बाहर कुछ और नजर आ रहा हो इतिहाद सिटी मोजा गंदा किसी और की हो कोई और नज़र आ रहा हो तीन सौ कनाल लैंड इन विलेज रशीदा न्यू न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट इसमें फ्रंट मैन कोई और हो बेची किसी और ने हो ओवर टू हंड्रेड कनाल इन मोजा ठलियाँ फ्रंट मैन कोई और हो बेची किसी और ने हो मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी हालांकि देखें नोवा सिटी का एयरपोर्ट सॉरी डायरेक्टली लिंक खैर थोड़ा सा बनता है न्यू एयरपोर्ट सिटी का कोई लिंक नहीं है ब्लू वर्ल्ड सिटी का कोई लिंक नहीं है इस रिंग रोड के अलाइनमेंट uh, के साथ इतिहास सिटी का कोई लिंक नहीं है तीन सौ कनाल वील मियाँ रशीदा इसका लाइफ रेजिडेंशिया से लिंक है लेकिन इसका कोई लिंक नहीं है वैसे uh, रिंग रोड के साथ ओवर दी 200 कनाल इन मोजा ठलियाँ कोई लिंक नहीं है मल्टी प्रोफेशनल लैंड इन मोजा जंदू एंड कोई लिंक नहीं है लाइफ रेजिडेंशियल इन मोज़ा रमा कोई जिक्र नहीं है कोई लिंक नहीं है तो सिर्फ इस बात के लिए कि इनका जो फ्रंट मैंने उसमें हाथ आगे पॉइंट नंबर फोटीन फिफ्टीन में क्लियरली मैंशन है कि एक्स डी जी अमारा खान डी सी एटक इन्होंने खामोशी इख्तियार की जब रिंग रोड की प्रिक्योरमेंट हो रही थी लैंड की तो इन्होंने रेंट सीकिंग जो सिंडिकेट है यानी कि जिन्होंने ज़मीन सेल करनी थी इसको और इस ज़मीन की सेलिंग के दौरान जिन लोगों ने वो खामोशी इख्तियार की उनका जिक्र है जी एक्स डी जी अमारा खान सिर्फ एक पब्लिक सर्वेंट जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनको दिखाने के लिए पूरे रिंग रोड को एक ऐसे शो किया गया कि जैसे बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इतना तोप काम किया गया है हालांकि ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि एक्सडी जी, एक्स जी माज डीसी अटक आ, अनान कमर डी सी रावल पिंडी अन्वर उलक ए डी सी रावल मे बी आज टू तो एक्सप्लेन द अनएथिकल साइलेंस सारी जो रिपोर्ट का लुबे है जी उन उनकी अनएथिकल साइलेंस उनकी खामोशी जब इसकी जो रिपोर्ट जब बन रही थी तो उन पे उन्होंने जो खामोशी अख्तियार की वो रेंट सिकिंग सिंडिकेट इन द रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन उनकी जोरिस्डिक्शन के दौरान जो ये टोटल लैंड की प्रक्योरमेंट की गई तो उन्होंने उस पर जो खामोशी अख्तियार की उसमें से पूछा जाए डी सी एटक रावलपिंडी ए डी सी आर रावलपिंडी ए सी रावलपिंडी सदर एंड फतेह जंग सदर इसी सदर का क्या तल्ल है रिंग रोड के साथ हालाँकि सदर एक दूसरी तरफ है और उसका क्या कुसैंसि बनती एंड चीफ ऑफिसर फ़तेहजंग तहसील काउंसिल में भी इमिडिएटली रिप्लेस फॉर देर अनएथिकल साइलेंस और अनएथिकल कंप्लाइंस एज डिस्कस सुपरा Board of Revenue Punjab to constitute special team for verification of DC rates, notified in the revenue states Moza's advertised alignment in R3 in Rawalpindi district with a VIS prevailing market rates and submit a Moza by Moza report regarding the award prices uh, prevailing the market price of Khasra Jat and which being acquired. इन आर थ्री इन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट का है, उसमें ये है, और इसमें किसी सोसाइटी का डायरेक्ट लिंक इसकी बाइंग में नहीं आता अब चूंकि मैं स्मार्ट सिटी का ऑथराइज सेल्स पार्टनर हूं तो उसमें जो स्मार्ट सिटी के वाले जिक्र है मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि उसमें स्मार्ट सिटी का क्या टोटल जिक्र आता है उसमें यह जिक्र आता स्मार्ट सिटी का कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो इसमें है उन्होंने यहाँ जो बाइक की है उनमें कहा जी उन्होंने इल्जाम लगाया इस रिपोर्ट में कि स्मार्ट सिटी ने 200 canal uh, you mentioned the capital smart city is one of the biggest beneficiaries in illegal alignment shift towards murad interchange thereon and changes design in Cloverleaf leaf as pied piper as annex 22 and 32, uh, 32 uh, b and 32 c. addition to the holding of major general salim and his family, since Moza's in the vicinity of murad interchange, astride m2 never expected a ring road or motorway access in Mozart experience large लार्जेस्ट लैंड प्राइस चेंज कि इस मोजा में जो 430 सौ तीस किनाल लैंड या दो सौ कनाल लैंड जो बाई हुई उसमें उन्होंने नाम लिया जी मेजर जनरल सलीम साहब का और उसकी फैमिली का कि उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने पूरी रिपोर्ट में जो एंड पे लुबे नुबैन ने इसका वे फॉरवर्ड निकाला है उन्होंने जी नैब को हुक्म दें कि नैब इसकी पूरी तफ्ीश करे कि रिंग रोड की लैंड प्रक्योरमेंट के दौरान जो बाइंग हुई है उसमें इन सोसाइटीज़ के फ्रंटमैन का यूज़ हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें डायरेक्टली सोसाइटीज़ का या उनकी प्रोक्योरमेंट का या सोसाइटी जिस सोसाइटी जिस लैंड पर सोसाइटी बन रही है उसका कोई जिक्र तक नहीं है जैसे स्मार्ट सिटी इस वक्त करंटली तकरीबन अट्ठाईस से तीस हज़ार किनाल जो एक्वायर्ड लैंड जहाँ पे काम हो रहा है और एक्सटेंडेड अप टू फिफ्टी सिक्स थाउजेंड कनाल यहाँ मे बी मोर और ब्लू वर्ल्ड सिटी जो इससे तकरीबन दस बारह किलोमीटर दूर है या ज़्यादा इससे में भी उसके अलावा डिफरेंट सोसाइटीज़ उनका डायरेक्टली इसमें नाम लिया गया जिन्होंने उनकी सोसाइटी के अंदर उन्हें गुजारने के लिए ऐसे किया या ऐसे किया सिर्फ इसलिए कि इन सोसाइटीज़ के फ्रंट मैन का नाम लेने के लिए जिन्होंने टोटल पूरा जो रोला डला हुआ है वो इस अमाउंट का जी जो तो टू पॉइंट थ्री बिलियन रुपीज फॉर लैंड एक्विजिशन अब इसमें जो बाब है है ये कि नए प्रोसीडिंग नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मे बी रिक्वेस्टेड टू तो प्रोसीड अगेंस्ट मिस्टर मोहम्मद महमूद जो कमिश्नर रावल पिंडी जिनको हटाया गया है एल एंड मिस्टर अली ताबिश फॉर विलिंगफुल दिस्ट ओवर टू ओवर 2.3 बिलियन फॉर इलीगल लैंड एक्विजीशन ऑन illegal alignment despite clear position taken by p and d department in uh, lieu of approval status of the alignment this expenditure was made to benefit the core members of attack loop रेंट सीटिंग सिंडिकेट रेंट सीकिंग सिंडिकेट का मतलब ये कि जो इस लैंड की प्रोक्योरमेंट के दौरान जिनकी ज़मीन है जिन्होंने बेची थी यानी जिन्होंने अलाइनमेंट के दौरान जो जिसमें ज़मीन आ रही है रिंग रोड के सड़क के दौरान जिनकी ज़मीन आएगी उन्होंने ज़मीनें बेची हैं तो वो रेंट सीकिंग इंडिकेट है जिन्होंने अपनी ज़मीनें खैर ऐसे इसमें रेंट सिकिंग इंडिकेट रेंट सीकिंग सिंडिकेट ऐसे काम करता है कि लेट से मुझे पता हो कि यहाँ से रिंग रोड ने गुजरना है तो मैं वहाँ ज़मीन पहले ख़रीद लूँ और जब रिंग रोड के लिए प्रोक्योरमेंट करने आए तो वो ज़मीन मैं बेचूँ अब लट से मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ तो मैं पहले वो यानी मैं कोई जनरल uh, हूँ या मैं कोई ब्यूरोट हूँ मैं कोई uh, एक पावा हूँ पाकिस्तान का को तोप चीज़ हूँ तो मैं पहले करूँगा ये कि मुझे पता है यार यहाँ से रिंग रोड गुजरना है मैं पहले वहाँ पर ज़मीन ख़रीद लूँगा जैसे अभी कमिश्नर राहुलबेंडी के दौरान नाम आया इनका कि मोहम्मद uh, महमूद साहब जो है इनके भाई का मक्का सिटी में रोल है आ, मक्का सिटी बहुत दूर है ये पूरे इससे तो इसमें क्या जी कि इसमें उन्होंने जो रिंग रोड जहाँ से गुजरना था उसकी ज़मीन जिन्होंने बेची सारा जो मसला मसाइल है वो टोटल इस दो शहर तीन अरब रुपये का है जो इलीगल लैंड एक में इस्तेमाल हुआ और इलीगल अलाइनमेंट डिस्पाइड ऑफ टेकन पोजिशन बाई पी एन डी डिपार्टमेंट इसमें टोटल पूरी जो बात है वो ये है और इसमें ऑल द अटक डिस्ट्रिक्ट वर नॉट इम टू एक्साइज एल एस ए पावर्स के जी अटक डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिस होल्डर था उनकी पावर नहीं थी लेकिन उन्होंने फिर भी 2.05 बिलियन अटक डिस्ट्रिक्ट में लैंड प्रिक्योरमेंट में सर्व किया और जो बाकी बीस पच्चीस करोड़ या तीस करोड़ में बनता है वो उन्होंने इस चक्रीवाली साइड पर बाई किया ऑल ऑफ द पर्सन एंड एंडिटीज ग्रोप फॉर रेंट सिकिंग सिंडिकेट मे बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर द क्रिमिनल लाइबिलिटी क्योरिंग फॉर द रीजन mentioned इन द report supra इन्वेस्टिगेशन में further uncover द benami नामी इंट्रस्ट होल्डर्स एंड पेटर्न टू दिस रेंट सीकिंग सिंडिकेट कि इसमें जो बेनामी था फॉर एक्जाम्पल मिस्टर महमूद था मिस्टर महमूद का मैं जानने वाला हूँ रिजवान चीमा तो रिजवान चीमा को उन्होंने कहा रिजवान तुम यहाँ पर लैंड खरीद लो जब मैं रिंग रोड के लिए यहाँ से लैंड प्रिक्योर करोगे तो मैं तुमसे दोबारा ज़मीन खरीद के गवर्मेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज दूँगा तो तुम्हें जो पैसे आएंगे तुम मेरे फ्रंटमैन बनो और तुम्हारे पैसे फिर मैं रख लूँगा रेंट सेकिंग सिंडिकेट ऐसे काम करता है तो इसमें किसी सोसाइटी का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है उन्होंने कहा सोसाइटी के साथ जो सोसाइटी के फ्रंटमैन थे जिन्होंने प्रोक्योरमेंट में सोसाइटी की लैंड प्रोक्योरमेंट में भी रोल अदा किया हो तो उन लोगों को इसमें शामिल तफशीश किया जो इसका पूरा हल निकाला जाए ये इस पूरी जो आ, कहानी है यह नामकथा कह लें इसको जो रिंग रोड के हाले से उसका लुबे लबाव है वेल यूज इट ये थी पूरी रिंग रोड की पूरी कहानी का लुबे लबाब इसमें मुख्तु लोगों का नाम आया जिसमें यह है जी यहाँ पर लैंड है जी जुल्फी बुखारे की यहाँ पर जी चौरी सरवर की लैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें यह कि जी इन लोगों ने रिंग रोड की जो लाइनमेंट है जहाँ पे इनको रिंग रोड को ये गवर्मेंट ऑफ पाकिस्तान को ये जमीन बेची है तो इनका इस पर किया जाए शेख रशीद का नाम यहाँ को शेख रशीदा गाँव है उस पर नाम आ रहा है तो ये नाम आ रहा है जो मामला बनते हैं कि रिंग रोड जिसने अठारह अरब रुपए में बनना था जो आज पैंसठ अरब में बन रही है जो अभी डिले होकर अस्सी से नब्बे अरब रुपए में ये कभी नहीं बनेगी या जब भी बनेगी ये बहुत एक्सपेंसिव बनेगी ये इस पूरी कहानी का है तो होपफुली ये वीडियो थोड़ी लेंथी थी आपको पसंद आई होगी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान जी भूलेंशी दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़